कल जुमे की नमाज के बाद पूरे देश में टकराव हुआ। रांची में तो दो लोग पुलिस की गोलीबारी में मारे गए और यहां तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी नहीं है। प्रयागराज में भी जुमे की नमाज के बाद नमाजी जो हैं वो हिंसक हो गए। पुलिस ने भी अपनी तरफ से बल प्रयोग किया और एक तरफ तो तस्वीर ऐसी भी उभर कर आई कि पुलिस किसी तरह से अपनी जान बचा रही थी। जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे। न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। मैं समझना चाहता हूं कि पूजा इबादत, पूजा अर्चना, ये तमाम चीजें तो हमारे अंदर ईश्वर खुदा उसके लिए एक सकारात्मक ऊर्जा भरते हैं ना, तो ऐसे में हिंसा का क्या स्थान है। और सबसे शॉकिंग, नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल प्रकरण के चलते देश की अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो बदनामी हुई है वो लम्हा और आज का दिन, हमारे प्रधानमंत्री अब भी खामोश हैं। प्रधानमंत्री, आपके पास कई मंच हैं अपनी बात कहने के, आपकी खामोशी देश की सेहत के लिए ठीक नहीं है। आप क्यों खामोश हैं? क्या आपके राजनीतिक सलाहकारों ने आपको यह मशवरा दिया है कि खामोश रहने से हमें और वोट्स मिलेंगे? क्या इस देश के अंदर आपका काम सिर्फ वोट्स हासिल करना है? आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं। एक प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है वो सबको साथ लेकर चले और इसकी पहले मिसाल भी है। आपका यह भाषण देखिए 2011 का, जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे, आपने सद्भावना उपवास किया था। अब यह तस्वीर देखिए, 2013 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, अपना सद्भावना उपवास तोड़ते हुए जो 3 दिनों तक चला था। गुजरात में तो आप सद्भावना उपवास किया करते थे ना। अब जो देश में हो रहा है, हालात और भी बदतर हैं। आपको किसने रोका? कौन रोक रहा है आपको इस वक्त एक मंच पर बैठ के एक सद्भावना उपवास करने से? क्योंकि मिसाल है, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं। आपकी अपील हिंदू और मुसलमान दोनों जगह जो कट्टर तबके हैं वहां पर जाएगी, बशर्ते आपकी अपील ईमानदार हो, बशर्ते आप संजीदगी से वो अपील कर रहे हो और राजनीति के लिए नहीं। क्योंकि देश की जनता नहीं भूली है कि चुनावों के दौरान आपने शमशान बनाम कब्रिस्तान का डिबेट भी छेड़ा था। मैं नुपुर शर्मा या नवीन या संबित पात्रा, गौरव भाटिया या प्रेम शुक्ला के बारे में क्या कहूं? यहां तो प्रेरणा ऊपर से आती है, गंगोत्री ऊपर से लेकर नीचे बहती है। मैं नहीं भूला हूं, देश के गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष को कसाब तक कह दिया था, तुलना आतंकवाद से कर डाली थी। और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने चुनाव को 80-20 बता दिया था। प्रधानमंत्री, खामोशी से अब काम नहीं चलेगा। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इसकी आलोचना हो रही है, देश की साख को नुकसान पहुंच रहा है, देश के धंधे को नुकसान पहुंच रहा है और अब देश के अंदर इस तरह की अराजकता। मैं समझना चाहूंगा प्रधानमंत्री, आप अगर इस तरह से खामोश रहेंगे तो इससे फायदा किसको है? और अगर भारतीय जनता पार्टी को इसके जरिए वोटों का फायदा मिल रहा है तो भाई शमशान और कब्रिस्तान पर बैठकर राज करने का फायदा क्या है? बोलिए, कब तक हम खामोश रहेंगे? मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, ये देश 80 और 20 के सामंजस्य, उसके तालमेल से आगे बढ़ेगा। इस देश की ताकत हिंदू और मुसलमान दोनों हैं, दोनों एक साथ होंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। ये मत सोचिए कि समाज के एक तबके को लगातार टारगेट करने से बहुमत खुश रह पाएगा। और आज मैं एक अपील हिंदुओं से भी करूंगा, मुसलमानों से भी करूंगा और गोदी मीडिया से भी करूंगा। सबसे पहले बात मुसलमानों से। कल कितना पवित्र दिन था, जुमे का दिन, नमाज का दिन। मैं ये समझना चाहता हूं ये कौन सा जुनून है जिसके चलते नमाज के ठीक बाद किसी का हिंसा करने का मन करे। मैं बार बार कहते रहा हूं और फिर दोहराना चाहूंगा, इस देश का लंबा चौड़ा इतिहास है। आपके सामने शाहीन बाग आंदोलन है, वहां बैठी दादियों ने, वहां महिलाओं ने कभी हिंसा का रास्ता नहीं अख्तियार किया। उन पर गोली चलाने वाले ये दो चेहरे आ गए थे, एक वो राम भक्त गोपाल और फिर कपिल गुर्जर।
इन दोनों ने शाहीन बाग और जामिया में आकर गोलियां चलाई थी, मगर वो भड़के थे? नहीं भड़के थे, कभी नहीं भड़के वो। आपके सामने ये मिसाल है। किसान आंदोलन भी जब भी उग्र हुआ मैंने उनका समर्थन नहीं किया, मगर किसानों ने भी किस खूबसूरत रणनीति के साथ इस देश की बिकी घटिया मीडिया की ऐसी तैसी कर दी, उन्हें एक्सपोज कर दिया, और उन्होंने भी हमेशा अहिंसा का दामन थामा। मैं आज सवाल पूछना चाहता हूं, हिंसा का रास्ता अख्तियार करने की आखिर वजह क्या है? क्यों, किसको फायदा है? ना इससे इस्लाम को फायदा है, ना आम मुसलमान को फायदा है जो मेहनत से अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, चाहे वो गरीब मुसलमान हो चाहे वो मध्यम वर्गीय मुसलमान हो। मैं जानता हूं एक बहुत बड़ी फहरिस्त है सरकारी मुसलमानों की, खासकर वो मुसलमान जो गोदी मीडिया में बैठकर जहर उगलता है, उनकी मैं बात ही नहीं करता हूं। इन्हें मैं एनेबलर्स बताता हूं, इनकी वजह से ही इस देश में नफरत फासीवाद है। और सिर्फ ये पत्रकार नहीं, ये सो कॉल्ड धर्म गुरु, ये टीवी पर दिखने वाले टीवी मौलाना जो 5,000 रुपए प्रति घंटे पर इन न्यूज चैनल्स की डिबेट में बैठ जाते हैं, जहर उगलते हैं, और इससे एक पार्टी विशेष का एजेंडा जो है आगे बढ़ता है, कितने शर्म की बात है। इसलिए बहुत जरूरी है कि मुसलमान, इस देश का मुसलमान हिंसा के इस रास्ते को त्यागे, उसकी आलोचना करे, इस हिंसा से खुद को जुदा करे। जो धर्म के नाम पर देश में अराजकता फैला रहे हैं उनसे खुद को जुदा करे, तभी बात आगे बढ़ेगी। वरना अगर आप इस हिंसा में बहते गए तो इसका नुकसान सिर्फ समुदाय को होगा, सिर्फ धर्म को होगा, और उसके अलावा कुछ नहीं। और देश में अगर कोई खुश नहीं रहेगा तो देश आगे नहीं बढ़ेगा, देश तरक्की नहीं करेगा। और हम ये नहीं कह सकते कि अगर हम खुश नहीं तो देश खुश नहीं, ये बहुत ही गलत सोच है। अब मैं बात करना चाहूंगा हिंदुओं से। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप में से कई लोग गोदी मीडिया में बैठे, वो तिहाड़ी या वो रिपब्लिक या वो जी न्यूज या वो न्यूज 18 के जहरीले एंकर्स को देखते हैं, एक छोटा सा सवाल, आपको क्या लगता है, आप लोग जो अपने घरों के अंदर बैठकर इन तमाम न्यूज चैनल्स को देखते हैं, अगर समाज के अंदर इसी तरह दंगे होते रहे, इसी तरह टकराव होता रहा जो हमने शुक्रवार को देखा, तो क्या आप और हम अपनी रोजी रोटी कमा पाएंगे? और सबसे बड़ी बात, जो हिंसा, जो नफरत आप इन न्यूज चैनल्स के जरिए खुद सीख रहे हैं और अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, आपने क्या आध्यात्म ये नहीं पढ़ा? आपने धर्म में यह नहीं पढ़ा कि अगर आप अपने अंदर हिंसा बनाए रखेंगे तो आप ईश्वर को कभी हासिल नहीं कर सकते? परम प्राप्ति, परम सुख की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति के लिए जरूरी है कि आप अपने अंदर के नफरत को बाहर फ्लश कर दें। सबसे बड़ी बात, हिंदू बहुमत में है, यह उसका किरदार है, यह उसकी जिम्मेदारी है कि देश में शांति कायम हो, किरदार उसका है। उसके नाम पर वोट्स हासिल करके देश में नफरत फैलाई जा रही है। 2014 से पहले हिंदू कभी खतरे में नहीं था, मगर रोज सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड चलाया जा रहा है कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, हिंदू के साथ अत्याचार हो रहा है। अरे भाई, इस देश में, इस देश के प्रधानमंत्री हिंदू हृदय सम्राट हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक मठ के बाबा रहे हैं, फिर भी हिंदू खतरे में है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो एक जमाने में बहुत ही सौम्य स्वभाव के मामा जी हुआ करते थे, वो भी अब नकल कर रहे हैं बुलडोजर मामा की, या बन गए हैं बुलडोजर मामा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस भी समुदाय को भड़का कर रखा जाएगा, डरा कर रखा जाएगा, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। आप में से कई लोग मुसलमान के कट्टरवादी तबके की ये कहकर आलोचना करते रहे हैं कि देखो वो लोग बार बार कहते थे इस्लाम खतरे में, इस्लाम खतरे में। अरे यही बात तो अब ये धर्मगुरु और भारतीय जनता पार्टी का एक तबका हम हिंदुओं के बारे में कहता है कि हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। सबसे बड़ी बात, इस देश के स्वर्णिम लम्हे तब आए हैं जब हम सब एक साथ मिलकर आगे बढ़ने का हमने मन बनाया है, हमारी तमाम उपलब्धियां। और सबसे बड़ी बात है, हमारे सामने मिसाल है,
क्रिकेट की मिसाल, फिल्मों की मिसाल, संगीत की मिसाल, संस्कृति की मिसाल, इन तमाम जगहों पर हमने देश की उपलब्धियों का लुत्फ तब उठाया है जब हमने एक साथ एक मंच पर एकता की आवाज में आगे बढ़ने का फैसला किया है। आज हमें क्या हो गया है? आज क्यों हम इस नफरत में खुद को दफन रखना चाहते हैं? अरे खुद की परवाह नहीं तो बच्चों की तो परवाह कर लो। नफरत में कब तक खुद को इस तरह से दफन रखोगे तुम बताओ? और क्यों किसी को मौका दे रहे हो यह कहने का कि हिंदू खतरे में है, हिंदू पर खतरा है? अरे कब से हिंदू खतरे में आ गया भाई? हिंदू हृदय सम्राट के रहते भी हिंदू खतरे में है? कमाल है। और अंत में अपील मीडिया के साथ। दोस्तों कल ही मैंने एक शो किया था और आप देख सकते हैं जोधपुर पुलिस ने एक नहीं दो नहीं आज तक न्यूज चैनल टीवी 9 और 15 अन्य लोगों पर केस किया है, क्योंकि वो ये चला रहे थे खबर कि जोधपुर के अंदर दो समुदायों के बीच में टकराव हो रहा है, जबकि वो मुद्दा ही नहीं था। उन्होंने केस दर्ज किया है। इससे पहले भी न्यूज 18 के पत्रकार के खिलाफ एक नहीं दो दो तीन तीन केसेस थे। टाइम्स नाउ पर चलने वाले शो की बदौलत ही आज देश की यह हालत है। उसी शो में एंकर की मौजूदगी में नुपुर शर्मा ने वो आपत्तिजनक बयान दिया था और नतीजा आपके सामने है। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर देश को नुकसान हो रहा है, देश के अंदर दंगे जैसे हालात पैदा किए जा रहे हैं, जमीन आपके सामने है। एक बार फिर मैं न्यूज चैनल से अपील करना चाहता हूं कि पत्रकारिता के नाते नहीं, क्योंकि तुम पत्रकारिता नहीं कर रहे हो, तुम सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के पिछलग्गू हो बस, मगर इंसानियत तो है ना कहीं किसी कोने में दिल के, परिवार वाले तो हो ना, बुजुर्ग मां बाप होंगे, पत्नी होगी, बच्चे होंगे, उनको देखो, उनको देखो और समझो कि तुम उनके लिए किस तरह का समाज बना रहे हो। सबसे बड़ी बात, जो ऐसे नफरती कार्यक्रमों के प्रायोजक हैं, एडवर्टाइजर्स हैं, इन पर लगाम लगाई जाए, इन्हें कटघरे में रखा जाए कि आप इस तरह के नफरती कार्यक्रमों को क्यों स्पॉन्सर कर रहे हैं जो न्यूज चैनल्स पर आते हैं। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, एक जमाने में न्यूज चैनल्स पे सांप बिच्छू चला करता था, तालिबान के नाम पर अनाप शनाप खबरें चला करती थी, मगर उन तमाम चीजों से पत्रकारिता बदनाम हो रही थी, देश नहीं टूट रहा था। आज आपके कामों से देश टूट रहा है, देश बर्बादी की राह पर है, और यह सब संभव है, यह सब रोका जा सकता है अगर प्रधानमंत्री एक बार फिर मंच पर आकर सद्भावना उपवास रखें। वो वक्त आ गया है प्रधानमंत्री जब आप तमाम समुदाय को लोगों के साथ संवाद करें, उन्हें एक मंच पर लाएं, बार बार एक नहीं बार बार मन की बात करें और बार बार उसी में सांप्रदायिक सौहार्द की अपील करें। अगर आप चाहते हैं कि इतिहास के पन्ने में आपको एक स्टेट्समैन के तौर पर याद रखा जाए, वरना लोगों को बांटकर वोट्स हासिल करने के बाद मैं नहीं जानता हूं आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपको इतिहास में एक नायक के तौर पर याद रखा जाएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।